मुलुंड के सभी धार्मिक सज्जनों, आज आपसे एक विशेष गौरक्षा के प्रश्न पर बात कहनी है। सामान्य रूप से मैं स्वदेशी पर काफी व्याख्यान करता हूं, लेकिन आज आपके बीच में एक नए विषय गौरक्षा के प्रश्न पर व्याख्यान करने के लिए आया हूं। गौरक्षा का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और गौरक्षा जरूरी क्यों है, इन दो बातों पर मेरे व्याख्यान में काफी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। और गौरक्षा के संबंध में हम सब लोग अपने अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, एक तीसरी बात व्याख्यान में वो कहने की कोशिश करूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का एक लंबे समय तक गुलाम रहा। सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए काफी तैयारियां की थी। पिछले कुछ वर्षों से भारत देश की गुलामी और अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, इसके बारे में हम लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने 50,000 से ज्यादा कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। लंदन की लाइब्रेरीज में से, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से जो दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर आज का व्याख्यान होगा, गौरक्षा का प्रश्न क्यों जरूरी है। 1813 के साल में अंग्रेजों की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस चली और 1813 के साल में अंग्रेजों की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बहस चली उसका शीर्षक क्या था, किस मुद्दे पर वो बहस चली। उस बहस का मुद्दा था हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए। इस मुद्दे पर ब्रिटेन की संसद में 1813 के साल में एक बड़ी बहस चली। 24 जून 1813 को वो बहस पूरी हुई और 24 जून 1813 को जब वो बहस पूरी हुई तो उस बहस में एक प्रस्ताव पारित किया गया। वो प्रस्ताव यही था कि भारत को ईसाई बनाना है। उस बहस के जो दस्तावेज हैं उनको देखने से ये पता चलता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आए थे वो सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को भारत में सिर्फ व्यापार करने में रुचि नहीं थी, वो भारत को ईसाई बनाने का एक बड़ा काम करने के लिए भी आए थे, जो उनकी दृष्टि में बड़ा काम था। इतिहास में हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन 1813 के वो दस्तावेज देखने के बाद पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने का बहाना लेकर आई थी, मूल उद्देश्य उनका भारत को ईसाई बनाने का था। तो भारत को ईसाई बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उस प्रस्ताव में कुछ नीतियां तय की गई और उन नीतियों को अंग्रेजों की सरकार ने भारत में अपने पूरे समय में लागू किया। वो नीतियां क्या थी, उन लोगों की, अंग्रेजों की जो सबसे पहली नीति थी भारत के लिए वो ये कि अगर भारत को ईसाई बनाना है तो भारत में जो समृद्धि है, भारत में जो संपन्नता है, भारत में जो सुख है, भारत में जो पैसा है, जो संपत्ति है, इसका नाश करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी समाज में गरीबी नहीं आएगी, जब तक किसी समाज में बेरोजगारी पैदा नहीं होगी, तब तक उस समाज को ईसाई नहीं बनाया जा सकता। ये बात लंदन के पार्लियामेंट में बहुत सारे उस जमाने के एमपीज ने कही। तो भारत में विपन्नता लानी है, भारत को गरीब बनाना है, भारत में भुखमरी फैलानी है, इसकी एक नीति अंग्रेजों ने व्यवस्थित रूप से भारत में शुरू की। और उस नीति के तहत उन्होंने जो सबसे पहला फैसला लिया वो उनका फैसला ये था कि भारत में अगर गरीबी पैदा करनी है, भूखमरी पैदा करनी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करने के लिए अंग्रेजों की सरकार ने एक फैसला और किया कि भारतीय कृषि पद्धति को भी बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की कृषि पद्धति जब तक बर्बाद नहीं होगी, भारत की खेती जब तक बर्बाद नहीं होगी, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़े हिस्से में
खेती पर टिकी होती है। मूल रूप से खेती कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है। तो ऐसा जब अंग्रेजों की सरकार ने लंदन की पार्लियामेंट में फैसला कर लिया तो उसके बाद उन्होंने नीतियां बनाना शुरू किया और उन नीतियों को हिंदुस्तान में लागू करने से पहले अंग्रेजों की सरकार ने कई सर्वेक्षण कराए, कई सर्वे कराए और जो सर्वे और सर्वेक्षण कराए गए भारत में उनमें एक ऐसा सर्वे भी था जिसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि भारत के समाज का और भारत के अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र क्या है। तो उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय कृषि का जो मूल केंद्र है वो गाय है और गाय के बिना भारतीय कृषि हो नहीं सकती, ये उन्होंने अपने सर्वेक्षण से पता लगाया। तो भारतीय कृषि के केंद्र में गाय है, एक बात उनको यह पता चली और दूसरी एक बात उनको और पता चली कि भारतीय कृषि के केंद्र में गाय के अलावा भारतीय समाज और संस्कृति के केंद्र में भी गाय है, क्योंकि गाय की पूजा हिंदुस्तान में हजारों साल से होती रही है। हमारे देश में आप सब जानते हैं, ये माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास की जो भावना है वो हमारी गहरी सांस्कृतिक परंपरा से निकल कर आई है। गाय के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें किसी देवता का निवास ना हो, ये जो बातें आई हैं ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के किसी गहरे हिस्से से निकल कर आई हैं और ये परंपरा बीसियों हजार साल पुरानी है। ये कोई हजार दो हजार साल पुरानी परंपरा नहीं है, क्योंकि भारत का अस्तित्व बहुत हजारों साल पुराना है। यूरोप और अमेरिका के अस्तित्व के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि वो 500 हजार साल पुराने देशों की संस्कृति वाले देश हैं, लेकिन हमारे देश की संस्कृति और परंपरा तो हजारों साल पुरानी है। तो इसलिए अंग्रेजों ने जब सर्वे करा लिया और अंग्रेजों की सरकार ने यह जानकारी हासिल कर ली कि भारतीय कृषि के मूल में गाय है और भारतीय संस्कृति की व्यवस्था भी गाय के आसपास घूमती है, तो उन्होंने एक फैसला किया कि भारतीय कृषि को बर्बाद करना है, भारतीय संस्कृति का नाश करना है तो गाय का नाश करना चाहिए। और गाय का नाश करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पुराने जमाने के कुछ राजाओं के बारे में दृष्टांत देना शुरू किया, हालांकि उनको ऐसे दृष्टांत नहीं मिले। मूल रूप से हिंदुस्तान में जितने राजा हुए उन सभी राजाओं ने गाय को बचाने के लिए ही अपने जीवन की और अपने राज्य की सारी नीतियां बनाने की कोशिशें की। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा भी हुआ करते थे जिन्होंने गोरक्षा के लिए नीतियां बनाई, और मुस्लिम राजाओं की जो विशेषता थी वो ये थी कि बहुत सारे मुस्लिम राजा ये मानते थे कि भारतीय समाज में अगर कोई व्यवस्था टिकेगी तो वो तभी संभव है जब भारतीय समाज की परंपराओं के अनुरूप शासन होगा। अगर भारतीय समाज की परंपराओं के विपरीत शासन होगा तो कोई व्यवस्था इस देश में चल नहीं सकती। ये बात बहुत सारे मुस्लिम राजा जानते थे और उस बात का उन्होंने अपने जीवन में, अपने राज्य में लागू करने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने बहुत खोजा लेकिन मुस्लिम समाज में और मुस्लिम समाज के राजाओं के बीच में भी उनको गोरक्षा के लिए काम करने वाले बहुत सारे मुस्लिम राजाओं के दृष्टांत मिले, और वैसे दृष्टांत हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े पड़े। एक दो अपवाद ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने प्रचारित करना शुरू किया और उन अपवादों के आधार पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय का कत्ल करवाना शुरू किया। गाय का कत्ल करवाने के पीछे अंग्रेजों के मन में जो मूल नीति थी वो सबसे महत्वपूर्ण यही थी कि भारत की कृषि का, भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना है। और वो गाय का कत्ल करवा के फिर गाय के मांस को अंग्रेजों की फौज को खिलाया जाने लगा। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में गाय का कत्ल अंग्रेजों ने शुरू करवाया और उस गाय के कत्ल का मांस अंग्रेजों की सरकार और उस सरकार के अधिकारी, अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजी की फौज के सिपाहियों को दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे नतीजे क्या निकलने लगे कि गाय की संख्या कम होती चली गई, गोवंश का नाश शुरू हो गया। बीच के दौर में अंग्रेजों की सरकार को एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चला, और वो महत्वपूर्ण सच्चाई क्या थी? अंग्रेजों की सरकार को पता चला कि गोवंश का अगर नाश करना है तो गाय का नाश करने से ज्यादा जरूरी है नंदी का नाश किया जाए।
बुल का नाश किया जा, जो सांड होता है उसका नाश किया जा। और अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उस अधिकारी ने इस बात को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि हम गाय का कत्ल करते रहे और गाय को मरवाते रहे तो गाय पैदा होती रहेगी, उससे ज्यादा अच्छा यह है कि गाय जिस तरीके से पैदा होती है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है नंदी, जिसको हम कहते हैं बुल या सांड, उसको मरवाना चाहिए। अगर नंदी का कत्ल होगा, अगर बुल नहीं रहेगा भारतीय समाज में, तो गाय की पैदाइश में कमी हो जाएगी। ये बात जब अंग्रेजों को पता चल गई तो उन्होंने फिर गाय से ज्यादा नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया। और एक विशेष दृष्टि से इस देश में अंग्रेजों ने विशेष कत्ल कारखाने खोले जिनमें सिर्फ नंदियों का कत्ल हो, सिर्फ बुल को काटा जाए, सिर्फ सांडों को काटा जाए। और उन कत्ल कारखानों को चलाने के पीछे उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी कि अगर बुल नहीं रहेगा, नंदी नहीं रहेगा, तो गाय भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में बुल का कत्लेआम शुरू करवा दिया। एक तरफ गाय का कत्लेआम, दूसरी तरफ बुल का कत्लेआम, और इस तरह तीसरे हिस्से में गोवंश का कत्लेआम भी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। 1850 के आसपास हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के प्रश्न को हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उठाना शुरू किया। और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाना शुरू किया उनमें आर्य समाजी लोग थे, उसमें सिख पंथ के बहुत सारे लोग थे, उसमें हिंदू धर्म की बहुत सारी दूसरे मजहबों के हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, जो अलग अलग मत हैं, उसके लोग भी थे। और उन्होंने इस गाय के प्रश्न को मुद्दा बनाया। अंग्रेजों ने इस गाय के प्रश्न को हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ जोड़कर यह भी कहना शुरू कर दिया कि गाय काटी जाए, बुल काटा जाए, तो हिंदुस्तान की अस्मिता भी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि यह अस्मिता के मूल केंद्र में है। तो फिर गाय का कत्ल 1850 के बाद अंग्रेजों ने इसलिए शुरू कराया ताकि हिंदुस्तान की जनता को नीचा दिखाना। पहले गाय और बुल का नंदी का कत्ल इसलिए करवाया गया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है, कृषि को बर्बाद करना है। दूसरे बार में अंग्रेजों ने यह इसलिए शुरू करवाया कि हिंदुस्तान की जनता को ठेस पहुंचानी है, उनकी भावनाओं को तोड़ना है। तो भारतीय जनता की भावनाओं को तोड़ने के लिए, भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर कत्ल कारखानों की शुरुआत की गई। अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे 350 कत्ल कारखाने खुलवाए जिनमें गोवंश का नाश होता था। अंग्रेजों के जमाने के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कितना गोवंश का नाश अंग्रेजों के जमाने में होता था। 30 वर्षों में 1910 से लेकर 1940 के साल में कुल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गोवंश का कत्ल अंग्रेजों की सरकार ने कराया। लगभग 30 वर्षों में 10 करोड़ गोवंश का जो कत्ल अंग्रेजों ने कराया, उसके बारे में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में और अंग्रेजों के अधिकारियों ने जो चर्चाएं की हैं, उसके दस्तावेज मेरे पास हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके आधार पर एक पुस्तक बने, बहुत जल्दी वो पुस्तक आपके बीच में आ जाएगी। तो वो जो 10 करोड़ गोवंश का कत्ल कराया, उसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ये कह रही है कि अगर ये 10 करोड़ गोवंश का आज कत्ल हो जाएगा तो आने वाले जमानों में करोड़ों गोवंश का नाश इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते। तो इस तरह से ये नीति आगे चलती रही और हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म और मजहबों के लोग गाय को बचाने के लिए आंदोलन भी करते रहे। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की जो पहली चिंगारी लगी थी 1857 में बैरकपुर की छावनी में, जब मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी, तो मूल प्रश्न गाय का ही था। उस गाय के मूल प्रश्न से हिंदुस्तान की क्रांति की शुरुआत हुई थी और बाद में वही मूल प्रश्न हिंदुस्तान की आजादी का प्रश्न बन गया था। आप सबने इतिहास में इतना तो पढ़ा ही होगा कि मंगल पांडे को फांसी की सजा क्यों हुई थी। मंगल पांडे एक आर्य समाजी नौजवान था, स्वामी दयानंद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित था। तो आर्य समाजी नौजवान होने के कारण वो अपने मन में उतना ही धर्मनिष्ठ था जितना हिंदुस्तान के दूसरे तमाम दूसरे सामान्य लोग हो सकते। गलती यह हुई कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की फौज में नौकरी कर ली और अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते हुए एक दिन मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस अंग्रेजों की सरकार देती है इस्तेमाल करने के लिए, उन कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी होती।
और गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में चलाने पड़ते थे। तो मंगल पांडे को जिस दिन ये पता चला कि वो जो गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूसों को मुंह से खोलता है और उसके बाद बंदूक में उसको लगाना पड़ता है, तो उसने मन में फैसला किया कि गाय की चर्बी के कारतूसों को मुंह से इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं ऐसी नौकरी को छोड़ दूं। लेकिन उसके मन में एक प्रतिशोध भी पैदा हुआ कि जिन अंग्रेज ऑफिसरों ने उसको बिना बताए हुए सालों साल उसके मुंह से गाय की चर्बी के कारतूस खुलवाए हैं, उन अंग्रेज ऑफिसर्स को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, ऐसा भी उसने एक संकल्प लिया। तो मंगल पांडे ने हिम्मत की और जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से उसको कारतूस दिए जाते थे, जिन कारतूसों पर गाय की चर्बी लगाई जाती थी, उन कारतूसों को लेने से उसने इनकार कर दिया। तो बाद में उसके ऊपर दबाव पड़ा और उस दबाव के तहत एक दिन उस मंगल पांडे ने अपने उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गोली मारकर, जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से उसको गाय की चर्बी के कारतूस दिए जाते थे। जैसे ही मंगल पांडे ने उस अंग्रेज ऑफिसर की हत्या की और यह बात पूरे देश में प्रचारित होने में समय नहीं लगा कि गाय की चर्बी से लगे हुए कारतूसों को खोलने से मना करने पर मंगल पांडे को सजा दी जाने की बात तय हुई, तो इसलिए मंगल पांडे ने यह फैसला किया कि उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाए। तो जैसे ही अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई, सारे देश में एक बगावत की लहर पैदा हो गई और उस बगावत की लहर में अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गांव गांव गली गली में नौजवानों के क्रांतिकारियों के संगठन बनना शुरू हो गए। गांव गांव गली गली में नौजवानों ने अंग्रेजी फौज और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। गांव गांव गली गली में नौजवानों ने गाय के प्रश्न को हल करने के लिए गोरक्षण समितियां बनाना शुरू कर दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में गाय का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था। अगर वो गाय का प्रश्न नहीं होता तो शायद 1857 की क्रांति के होने में भी मुश्किलें आती। वो क्रांति एक तरफ चलती रही, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में नौजवानों के संगठन पैदा होने लगे। गांव गांव में गोरक्षण समितियां बना दी गई। 1870 तक आते आते हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां पर गोरक्षण की समिति न बनाई गई हो। अंग्रेजों का एक खुफिया विभाग होता था, अंग्रेजों का एक डिपार्टमेंट होता था जो सीक्रेट रिपोर्ट इकट्ठी करता था। उस डिपार्टमेंट के माध्यम से अंग्रेजों ने एक सर्वे कराने का काम शुरू किया और वो सर्वे काफी समय तक चला इस देश में। तो अंग्रेजों के खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट इकट्ठी की, जो रिपोर्टें उन्होंने बनाई, वो रिपोर्ट बाद में 1893 के साल में लंदन भेजी गई और लंदन की सरकार और लंदन की पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर जो चर्चाएं हुई, उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हम लोगों को भी मिले हैं। कुछ दस्तावेज जो हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं उसी में उन रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। तो वो रिपोर्ट ये बताती है, अंग्रेजों की जो इकट्ठी की गई है, कि अंग्रेजों का खुफिया विभाग बता रहा है कि 1870 के साल तक हिंदुस्तान के गांव गांव में गोरक्षण समितियां बन चुकी और 1890 तक आते आते हिंदुस्तान में करीब करीब उस जमाने में 7.5 से 8 लाख गांव है। तो वो बता रहे हैं कि इतनी ही करीब करीब गोरक्षण समितियां हैं और कोई भी गोरक्षण समिति ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 5 से 10 नौजवान शामिल ना हो। और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि गोरक्षण समिति में शामिल जो नौजवान है उनमें एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो गाय के प्रश्न पर मरने के लिए तैयार ना हो। तो एक बाजू में गांव गांव में गोरक्षण की समितियां बन रही है, दूसरे बाजू में हिंदुस्तान में क्रांति की बगावत और क्रांति की लहर चल रही है। ये दोनों चीजें एक साथ इस देश में चल रही है। 1893 के साल तक आते आते ये गोरक्षा का आंदोलन बहुत प्रबल हुआ और गोरक्षा का आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि अंग्रेजों की सरकार को लगने लगा कि अब शायद हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, भारत से जाना पड़ेगा। तो 1893 के साल में अंग्रेजों के यहां के जो अधिकारी थे उनमें एक गवर्नर था, एक वॉयसराय जैसा अधिकारी माना जाता था, उसकी वॉयसराय की हैसियत होती थी, उसका नाम था लैंसडाउन। तो लैंसडाउन ने एक रिपोर्ट भेजी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को, वो रिपोर्ट भी हम लोगों के पास है और उसको भी हम पुस्तक के रूप में छापने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1893 के साल में जो लैंसडाउन रिपोर्ट भेज रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उस रिपोर्ट का जो शुरू का हिस्सा है वो यही बता रहा है कि अब अंग्रेजों को भारत में राज्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गांव गांव में गोरक्षण समितियां बन चुकी हैं, गांव गांव में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है,
कभी भी ये बगावत दावानल का रूप ले सकती है और अंग्रेजों की सरकार शायद उसमें जलकर भस्म हो जाएगी। ये एक अंग्रेज ऑफिसर लेंस डाउन लिख रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजे गए कुछ रिपोर्ट में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और उस रिपोर्ट पर चर्चा होते हुए उस जमाने की जो रानी है विक्टोरिया जिसका नाम है, वो विक्टोरिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एमपी है उनको निर्देश दे रही है। और वो निर्देश क्या है वो हमको समझने चाहिए, तो आज के इस प्रश्न का हम लोगों को स्वरूप भी समझ में आएगा। विक्टोरिया कह रही है 1893 में लंदन के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल तो जारी रहना ही चाहिए। अंग्रेजों का ऑफिसर कह रहा है लेंसडाउन कि गाय का कत्ल करना मुश्किल है और वो रिपोर्ट भेज रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि गाय का कत्ल अगर यहां करते चले गए हम लोग तो यहां राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कह रही है पार्लियामेंट के अंदर 1893 के साल में कि गाय का कत्ल तो बहुत जरूरी है। क्यों? गाय का कत्ल करने से हिंदुस्तान की अस्मिता, भारत की अस्मिता नष्ट होती है और भारत के लोगों का अस्तित्व भी नष्ट होता है, उनका गौरव भी नष्ट होता है। सीधी सी बात है कि जो केंद्र बिंदु में है आपके देश में गाय, अगर उसका कत्ल किया जाए तो आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, आपकी भावना भी आहत होती है। तो विक्टोरिया कह रही है कि यह तो बहुत जरूरी है और इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो लेंसडाउन रिपोर्ट में लिख रहा है और वो कह रहा है एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेंसडाउन की रिपोर्ट बताती है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई है कि गाय को बचाने के लिए हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर 1870 के साल से गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए हैं। राजस्थान में आप जाइए, राजस्थान में मुसलमानों की एक जाति है उसको कहते हैं राठ। ये राठ जो जाति है मुसलमानों की, ये किस इलाके में रहती है? ये राठ जाति मुसलमानों की राजस्थान के बीकानेर के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आज भी आप राठ जाति से मुसलमानों के बीच में चले जाइए तो उनकी पूरी आजीविका गाय के दूध और गाय के घी की बिक्री पर चलती है। तो राठ जाति के मुसलमानों के लिए गाय उनकी आर्थिक उपजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए राठ जाति के मुसलमान 1870 के साल में गाय को बचाने के आंदोलन में लड़ रहे हैं। और ऐसे ही आप चले जाइए, राजस्थान में एक दूसरी मुसलमानों की और जाति है उसको कहते हैं मेव। जो मेव जाति के मुसलमान है, राजस्थान और हरियाणा का एक इलाका ही कहलाता है जिसका नाम है मेवात। तो मेवात वो इलाका है जिसमें मेव जाति के मुसलमान रहते हैं। तो मेव जाति के मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में 1870 के साल से शामिल है। राठ जाति के मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में 1870 के साल से शामिल है। माने क्या है? गाय को बचाना सिर्फ हिंदुओं का काम नहीं, गाय को बचाने के लिए मुसलमान भी लड़ रहे। और उस जमाने के बड़े बड़े मुसलमानों के जो मौलवी हैं वो सब कह रहे हैं कि गाय बचेगी तो हम बचेंगे। माने उनकी आर्थिक जीविका का साधन है। कुछ मुसलमान है जो गाय का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, कुछ मुसलमान है जो गाय का घी बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, कुछ मुसलमान है जो गाय की मिठाइयां, गाय के दूध से बनने वाली मिठाइयां बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो हिंदू भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए, मुसलमान भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की तमाम दूसरी जातियां लड़ रही हैं गाय को बचाने के लिए। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट में लेंसडाउन ने लिखवाया और वो रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची तो रानी विक्टोरिया ने उस पर एक टिप्पणी की। 8 दिसंबर 1893 को विक्टोरिया ने एक चिट्ठी लिखी लेंसडाउन को। वो चिट्ठी हम लोगों के पास है, उसकी फोटोकॉपी हम लोगों के पास है। हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से वो चिट्ठी हम लोगों को मिली है। वो चिट्ठी का पहला पैराग्राफ क्या है? विक्टोरिया लिख रही है कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के बहाने हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करनी चाहिए। अंग्रेजों की हमेशा से नीति रही है बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों की वो जो नीति है बांटो और राज करो की, उस नीति के तहत विक्टोरिया चिट्ठी लिख रही है लेंसडाउन को
कि मुसलमानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो गाय का कत्ल करें। क्यों? अगर हिंदुओं को यह पता चलेगा कि मुसलमान गाय का कत्ल कर रहे हैं तो हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे, और हिंदू और मुसलमानों के बीच जब झगड़े शुरू हो जाएंगे तो अंग्रेजों की सरकार टिकेगी और उसको राज्य करने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक जमाने में 1870 से 1893 तक जो मुसलमान हिंदुस्तान की गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए हैं, फिर अंग्रेजों की नीतियों के कारण मुसलमानों को गाय का कत्ल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये रानी की चिट्ठी है लेंस डाउन के लिए, और वो चिट्ठी हम लोगों के पास है, सबूत है, प्रमाण है। इसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने के लिए मुसलमानों को गाय काटने के लिए प्रेरित किया। और वो कैसे किया उसकी नीति भी जानिए। लेंस डाउन को जब रानी की चिट्ठी मिली तो लेंस डाउन ने एक नीति बनाई, और नीति क्या बनाई, लेंस डाउन ने यह फैसला किया कि अंग्रेजों के चलाए गए जितने कत्ल कारखाने हैं उन कत्ल कारखानों में नौकरी सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी, ताकि पूरे हिंदुस्तान में इस बात का प्रचार किया जाए कि हर कत्ल कारखाने में देखिए गाय काटने का काम मुसलमान कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने बाकायदा नीति बनाई, और उस नीति के तहत अंग्रेजों के हर करे बनाए गए कत्ल कारखाने में मुसलमानों को नौकरी देने का काम शुरू किया, मुसलमानों को रिजर्वेशन के आधार पर कत्ल कारखानों में नौकरी दी गई। जब मुसलमानों ने कत्ल कारखानों में नौकरी करने का काम शुरू कर दिया, काफी मुसलमानों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती मारकर पीटकर गाय का कत्ल करवाने के लिए तैयार किया। सामान्य रूप से कोई मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं था। उस जमाने में जब मुसलमान गाय का कत्ल करने के लिए तैयार नहीं थे तो अंग्रेजों की सरकार ने मुसलमानों को मारना, पीटना, उनको धमकाना, उनको तरह तरह की लालच देने का काम शुरू करवा दिया, और धीरे धीरे उनकी इस पॉलिसी में, उनकी इस नीति में ये दिखावट आने लगी कि मुसलमानों ने कत्ल कारखानों में जबरदस्ती अंग्रेजों के कहने पर मारपीट पर नौकरी करना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने सारे देश में यह प्रचार करना शुरू करवा दिया कि देखिए गाय हम नहीं काटते, मुसलमान काटते। और सच्चाई यह है कि रानी ने चिट्ठी में लिखा था, उस चिट्ठी में उसने यह लिखा था कि मुसलमान गाय काटेंगे जरूर, लेकिन वो हमारे लिए काटेंगे, हमारी फौज के लिए काटेंगे। अंग्रेजों को गाय का मांस चाहिए, अंग्रेजों की फौज को गाय का मांस चाहिए, तो मुसलमान गाय काटेंगे हमारे लिए, और हिंदुस्तान के जनता को दिखाई देगा कि गाय कट रही है मुसलमानों के द्वारा। पीछे जो मूल व्यक्ति है गाय को कटवाने वाला, जो मूल अंग्रेज है गाय को कटवाने वाले, उनका चेहरा लोगों को दिखाई नहीं देगा। और यह नीति पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लागू की। इस नीति की सफलता हुई। सफलता क्या हुई कि हिंदुस्तान में जगह जगह हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए, अंग्रेजों को बचा दिया गया, अंग्रेजों ने अपने आप को बचा लिया, और हिंदू मुसलमानों के बीच में उन्होंने भेद पैदा कर दिया गाय का कत्ल करवा के, और इस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनाई गई वो नीति चालू होती गई। आजादी मिलने के शुरू के दौर में क्या हुआ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेता थे जो गाय बचाने के प्रश्न पर सबसे ज्यादा उद्वेलित थे। उनमें थे पंडित मदन मोहन मालवीय। मामला मदन मोहन मालवीय के पूरे आंदोलन के केंद्र में गाय हुआ करती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के पूरे केंद्र में गाय हुआ करती थी। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने तो इस बात को कई बार कहा। गांधी जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के शुरुआत में और आंदोलन के बीच में और आंदोलन के बाद में भी कई बार महात्मा गांधी ने यह कहा कि स्वराज से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोरक्षा। यह गांधी जी ने कई बार कहा कि स्वराज से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोरक्षा, और मेरे लिए गाय का कत्ल ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का कत्ल किया जा रहा। यह गांधी जी ने कई बार कहा। तो हिंदुस्तान के आजादी की लड़त लड़ने वाले तमाम नेताओं के लिए गाय का प्रश्न बहुत ही केंद्रीय प्रश्न था, बहुत मूलभूत प्रश्न था। तो गांधी जी जैसे लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाया, स्वामी दयानंद मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाया, लोकमान्य तिलक ने गाय के प्रश्न को उठाया, और इन लोगों के गाय के प्रश्न को उठाने के पीछे एक ही परंपरा थी कि जो हिंदुस्तान में 1870 में क्रांति हुई थी, बगावत हुई थी 1857 में और 70 के बीच में जो आंदोलन चले थे वो गाय के प्रश्न को लेकर महत्वपूर्ण आंदोलन चले थे, तो आगे भी इस देश में ये महत्वपूर्ण काम होता रहेगा। बीच में आजादी की लड़ाई की ऐसी घड़ी आई कि जब लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा,
तो अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसी बात दिखाई देने लगी 1940 के साल से। 1940 के एक साल पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। लाहौर एक शहर है, पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, अभी पाकिस्तान में है बंटवारे के बाद। लाहौर शहर में अंग्रेजों ने एक कतल कारखाना खोला 1939 के साल में, और वो कतल कारखाना यंत्रीकृत था, मैकेनाइज्ड था, और बड़े पैमाने पर उसमें गौर नंदी का कत्ल हो सकता था, ये अंग्रेजों ने फैसला किया था। तो 1939 में जो लाहौर में कतल कारखाना खोला गया, उसके लिए सबसे जबरदस्त आंदोलन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 के उस कतल कारखाने को बंद कराने के लिए आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन सफल भी हुआ। 1939 में अंग्रेजों की सरकार ने लाहौर में जो कतल कारखाना खोला था वो बंद हो गया। उस कतल कारखाने को बंद कराने के समय पंडित नेहरू जो भाषण दिया करते थे, उनमें से एक भाषण का जिक्र, और उस पूरे भाषण का नहीं, उसकी एक लाइन का जिक्र आपके बीच में कर रहा हूं। पंडित नेहरू कहा करते थे कि जब मैं जानवरों का कत्ल होते हुए देखता हूं तो अंदर से मेरी आत्मा चीत्कार करती। और उनका यह कहना था और उनका यह मानना था कि अगर वो आजाद हिंदुस्तान में किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तो वो एक ऐसा कानून बना देंगे जिससे हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाएगा, गोवंश का कत्ल बंद हो जाएगा। यह पंडित नेहरू के भाषण है। और ऐसा ही एक भाषण हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे मांसाहार बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हों, तो इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान में यह मांसाहार का चलन बंद किया जाए। तो मांसाहार का चलन बंद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मांस उत्पादन के जो केंद्र चल रहे हैं इनको बंद किया जाए। तो पंडित राजेंद्र प्रसाद ने भी आजादी के पहले इस तरह का एक संकल्प लिया कि मैं कभी हिंदुस्तान में आजादी के बाद अगर किसी महत्वपूर्ण पद पर आया तो गाय का उत्पादन, गाय का मांस जहां उत्पादित होता है, गोवंश का जहां कत्ल होता है, हिंदुस्तान के जानवरों का जहां कत्ल होता है, ये सारे उत्पादन केंद्र बंद करवा देंगे, और उसके लिए हम केंद्रीय स्तर पर कानून बनवाएंगे। ऐसी भावना थी हिंदुस्तान में आजादी आने के पहले के नेताओं की। चांस की बात कि ये दोनों व्यक्ति हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के पहले दोनों नेता ये मानते थे कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, और मांस उत्पादन के ये जो केंद्र चल रहे हैं पूरे देश में इनको बंद करा देना चाहिए। दोनों नेताओं की यह मान्यता थी कि मांस उत्पादन के इन केंद्रों को बंद कराने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम केंद्रीय स्तर पर कानून बनाएंगे। तो दोनों लोग जब पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए, मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अपने पूरे शासन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोवंश की रक्षा करने वाला कानून ही नहीं बना पाए, बाकी बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए। और 1955 के साल में पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया है, उस भाषण की फोटोकॉपी भी हमारे पास। वो भाषण पंडित नेहरू दे रहे हैं 1955 में पार्लियामेंट के अंदर। तो हुआ क्या है, एक सांसद ने गोवंश की हत्या को रोकने के लिए एक विधेयक पार्लियामेंट में लाया। तो गोवंश की हत्या रोकी जानी चाहिए, इसके लिए एक विधेयक आया संसद में। उस विधेयक पर बहस हो रही है, तो बहस करते समय पंडित नेहरू कह रहे हैं कि इस विधेयक को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, माने गोवंश का कत्ल चालू रहना चाहिए। आजादी के पहले एक बात कह रहे हैं, और आजादी मिलने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो पार्लियामेंट के अंदर उसकी ठीक दूसरी बात कह रहे हैं। दोस्तों, आज ये जो हिंदुस्तान के नेता हैं, सत्ता मिलने के पहले एक बात कहते हैं और सत्ता मिलने के बाद दूसरी बात कहते हैं, ये परंपरा हिंदुस्तान में आजादी के साल से ही पड़ी हुई है, ये कोई आज की परंपरा नहीं। इसलिए आज के नेताओं को देखकर मत रोइए। उस जमाने के जो सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लोग सत्ता मिलने के पहले गाय का कत्ल का विरोध करते हैं और सत्ता मिलने के बाद कहते हैं कि यह गाय का कत्ल जारी रहना चाहिए, इससे ज्यादा विरोधाभास और क्या हो सकता। और वो दोनों आदमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू भूल गए कि हिंदुस्तान में
गाय के कत्ल को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की बात उन्होंने कही थी आजादी के पहले, और आजादी के साल में वही नहीं हो पाया। और आज तक हम सबका आपका दुर्भाग्य है कि आजादी मिले हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया जिससे इस देश में पशुओं के कत्ल को रोका जा सके। आजादी के पहले जिस तरह से देश चलता था, आजादी के बाद वैसे ही देश चल रहा। दुर्भाग्य से ज्यादा हालत आज खराब है। आंकड़े ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 350 कत्ल कारखाने चलाए। आज आजादी के 50 साल में हिंदुस्तान में 36,000 कत्ल कारखाने हैं। जब आजादी नहीं मिले थी तो 350 कत्ल कारखाने थे, अब आजादी मिलने के बाद 36,000 कत्ल कारखाने हैं। और उनमें से एक एक कत्ल कारखाना कितना जबरदस्त है कि एक एक कत्ल कारखाने ऐसे हैं इस देश में जिनमें 10,000 पशु रोज काटे जाते हैं। यही बंबई में है, देवनार में है, मेडक में है, अल कबीर का है, कलकत्ता में है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े ऐसे कत्ल कारखाने हैं जिनमें एक दिन में कम से कम 10,000 पशु काट दिए जाते हैं। आप जरा कल्पना करिए कि जितनी देर में आपका 24 घंटा बीतता है, माने आप रात को सोते हैं और अगले दिन रात सोने की तैयारी करते हैं, उतनी देर में 10,000 जानवरों की बलि ले ली जाती है एक कत्ल कारखाने में, और छोटे बड़े कुल 36,000 कत्ल कारखाने। क्या हालत है इस देश की। अंग्रेजों के जमाने के आंकड़े बताते हैं। मैंने आपसे कहा कि लगभग 30 साल के अंदर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 10 करोड़ गोवंश का कत्ल करवाया। आज आजादी के 50 साल में, जिस साल से हमको आजादी मिली है उस साल से 1997-98 के साल तक आते आते हिंदुस्तान में लगभग 48 करोड़ गोवंश का नाश किया जा चुका। 48 करोड़ अंग्रेजों ने 30 साल में करवाया, लगभग 10 करोड़, और हमारी सरकार ने 50 साल में करवा दिया 48 करोड़ गोवंश का कत्ल। माने 50 करोड़ गाय, नंदी, बछड़े, बछिया, ये सब काटे जा चुके हैं जितने साल में आपने आजादी के 50 साल पूरे किए। और आप जरा कल्पना करिए कि अगर ये 48 करोड़ या 50 करोड़ गोवंश के जानवरों को बचा लिया जाता तो हिंदुस्तान में आज संपत्ति और संपदा कितनी होती, पैसा कितना होता। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, एक गाय घर के दरवाजे पर अगर बंधी है और वो साल भर दूध दे या ना दे, बिना दूध की गाय भी अगर आपके दरवाजे पर बंधी हुई है तो एक साल के अंदर वो गाय 25,000 रुपए का फर्टिलाइजर पैदा करती है, खाद पैदा करती है, जिसको आप गोबर कहते हैं। तो अगर एक गाय 25,000 रुपए का फर्टिलाइजर पैदा करती है एक साल में, तो गोवंश के ये जो 50 करोड़ पशुओं का कत्ल हो गया है, तो आप सोचिए कितने अबज रुपए के खाद का नुकसान किया है हमने पिछले 50 साल। और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गाय का गोबर अगर खेत में ना पड़े तो गेहूं नहीं हो सकता, गाय का गोबर अगर खेत में नहीं पड़े तो चना नहीं हो सकता, मटर नहीं हो सकती, और गेहूं चना मटर अगर नहीं हो सकता तो हमारा पेट नहीं भर सकता। तो जिस गाय से हमको इतनी महत्वपूर्ण और बेशकीमती चीज मिल रही है उसका हमने नुकसान किया है, अबजों रुपए के खाद का नुकसान हुआ है पिछले 50 साल में। और आप मान लीजिए एक साल में अगर एक गाय 10,000 से 15,000 रुपए का दूध देती हो तो ये जो 48 करोड़ गोवंश का नाश हुआ है पिछले 50 साल में, ये कितने करोड़ रुपए के दूध का नाश कर दिया है हमारी सरकार। और आपको मालूम नहीं है कि गाय का गोबर और गाय का दूध उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गाय का मूत्र। और आपको जानकर यह खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि गाय के मूत्र से 108 तरह की दवाएं बनती हैं। और हमारे देश के आयुर्वेद के जो बड़े ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत, हरित संहिता, इन सभी आयुर्वेद के ग्रंथों में गाय का मूत्र बहुत विशेष किस्म की दवा माना जाता। दुनिया में एक बीमारी है, उसका नाम है डायबिटीज, और यह डायबिटीज नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है होम्योपैथी में, कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, और कोई इलाज नहीं है दुनिया की किसी पैथी में।
डायबिटीज को कंट्रोल तो किया जा सकता लेकिन उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। एलोपैथी वाले तो कभी ये गारंटी दे नहीं सकते कि वो डायबिटीज जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज को वो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते। वो डायबिटीज जैसी बीमारी गाय के मूत्र से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। और अगर 48 करोड़ गोवंश के पशुओं का नाश हुआ है पिछले 50 साल में तो आप अंदाजा करिए कितने लाख करोड़ रुपए का हमने बर्बादी की है इस देश में पिछले 50 साल। और आज भी आपको मैं एक जानकारी दूं, हिंदुस्तान में इस समय भयंकर समस्या चल रही है पेट्रोल की और डीजल की। और पेट्रोल और डीजल की समस्या जो चल रही है वो क्या है? भारत सरकार हर साल यही कहती रहती है कि हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ता ही चला जाता, कभी पूरा ही नहीं होता है वो ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट, हमेशा घाटा रहता है हजारों करोड़ का उस ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट में। तो ये पेट्रोल और डीजल बड़े हिस्से में बाहर से आयात करना पड़ता, और जैसे जैसे आपके रुपए की कीमत गिरती चली जाती है वैसे वैसे बाहर से आने वाले पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता चला जाता, क्योंकि आपका रुपया गिरेगा तो बाहर से आने वाली चीजों का आयात महंगा होता चला जाएगा। तो आपके देश में रुपया गिरता चला गया है 1947 के साल से आज 1997-98 के साल तक आपके रुपए में सैकड़ों टका की गिरावट आई है। पिछले 7 वर्षों में हमारे रुपए में 120 टका की गिरावट आई है। 1991 के साल में हमारे देश में $1 में 18 रुपया होता था, आज $1 में 40-41-42 रुपए के आसपास का भाव है। 120% की ये जो गिरावट आई है रुपए में, इसके कारण क्या हुआ है? आपके देश में आने वाला डीजल और पेट्रोल 120 टका महंगा हो गया। तो जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है वैसे ही वैसे इस देश में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों के ऊपर सरचार्ज लगा देती और पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा देती। एक बार बेंगलोर में एक बड़ा भारी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सरकारी अधिकारी शामिल थे, उसमें देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री शामिल थे, उसमें हमारे देश के बड़े सामाजिक शास्त्री भी शामिल थे। मैं भी गलती से उसमें चला गया था। गलती से इसलिए कहता हूं कि मेरे जैसे लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस खोपड़ी से काम करते हैं हमारी हमारा दिमाग ही उससे बिल्कुल अलग चलता। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं वहां पहुंच गया, मुझे भी उसका इन्विटेशन था। तो वहां बातें चल रही थी और भारत सरकार का एक अधिकारी चिंता व्यक्त कर रहा था कि कैसे हम ये ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट पूरा करें। तो तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, सब लोगों के सुझाव उसने सुन लिए। फिर उसने कहा, राजीव भाई आपका क्या सुझाव है कि ये भारत सरकार ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कैसे खत्म करे, आपका क्या सुझाव है? तो मैंने कहा कि मैं मेरा सुझाव देने से पहले आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं, पहले मुझे मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए तो मैं मेरा सुझाव देने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा आप सवाल पूछिए। तो उस अधिकारी से मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में एक गांव से दूसरे गांव जो सामान जाता है, हमारे देश में जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता, जो माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितना हिस्सा है जो बैलगाड़ियों से होता है और कितना हिस्सा है जो मोटर कार और रेल से और हवाई जहाज से होता। इसको तकनीकी भाषा में अगर मैं कहूं तो मैंने सवाल ऐसे पूछा था कि हिंदुस्तान में गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में ऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना हिस्सा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना हिस्सा है। तो उस अधिकारी ने जवाब दिया कि राजीव भाई आज भी हिंदुस्तान में जो एक माल दूसरे गांव में पहुंचता है, माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें से 60% माल बैलगाड़ियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। 60% माने हिंदुस्तान में जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है उसमें 60% हमारे देश के पशुओं की ताकत से एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता है। सिर्फ 40% ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का जो रेलगाड़ी के द्वारा होता है, हवाई जहाज के द्वारा होता है, ट्रकों के द्वारा होता है, लॉरीज के द्वारा होता है, सिर्फ 40%। तो मैंने उससे एक दूसरा सवाल किया कि अगर आप ये हिसाब बताते हैं कि 60% ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का आज भी हिंदुस्तान में
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, माने पशुधन की शक्ति से एक गांव से दूसरे गांव जाता है, और 40% ही हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। तो मैंने कहा कि एक दूसरी बात और बता दीजिए कि अगर ये जो 60% माल आज जा रहा है बैलगाड़ियों के द्वारा, घोड़ा गाड़ियों के द्वारा, ऊंट गाड़ियों के द्वारा, अगर ये सारा का सारा माल हम हवाई जहाज से ले जाएं, सारा का सारा माल हम रेल से ले जाएं, सारा का सारा माल हम ट्रक से ले जाएं, सारा का सारा माल हम मोटर गाड़ी से ले जाएं, तो क्या होगा? तब उसने कहा कि राजीव भाई, हिंदुस्तान में पेट्रोलियम और डीजल का खर्चा ही 60-70 हजार करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर सारा माल हम डीजल और पेट्रोल से उठाना शुरू करें, हवाई जहाज में भर के एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना शुरू करें, तो आप कहते हो कि 60-70 हजार करोड़ का डीजल और पेट्रोल हमको खर्च करना पड़ेगा हर साल में। तो मैंने कहा आपने ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो कहने लगे मेरी समझ में नहीं आया, अब अधिकारी है बुद्धि उल्टी है, समझ में कैसे आया। तो मैंने उसको बिल्कुल सीधा करके समझाया, मैंने कहा कि ये जो 60% माल जा रहा है गांव में बैलगाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह, इसको 100% अगर हम कर दें तो क्या होगा? तो कहने लगा हिंदुस्तान की सरकार का हर साल के बजट में कम से कम 14-15 हजार करोड़ रुपए बच जाएगा। तो मैंने कहा अगर 14-15 हजार करोड़ रुपए बचेगा तो आप बताइए ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कितना है? तो उसने दांत निकालते हुए कहा कि कुल 14 हजार करोड़ का। मैंने कहा डेफिसिट पूरा हो जाता है अगर आप हिंदुस्तान के पशुधन का इस्तेमाल करते हुए पूरे माल को एक गांव से दूसरी जगह भेजाने की व्यवस्था कर दें, तो आपके देश में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट ही नहीं रहने वाला। तो बात उसके समझ में आ गई। तो उसने एक दूसरा प्रश्न किया मुझसे कि राजीव भाई, आप फिर मुझको यह बताइए कि अगर बैलगाड़ियों से ये माल एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो महीनों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। मैंने कहा उसका भी सुझाव है मेरे पास, आप हिंदुस्तान की बैलगाड़ियों के पहिए में बियरिंग लगा दीजिए, और अगर हिंदुस्तान की बैलगाड़ी के पहियों में बियरिंग लगा दिया जाए तो क्या होगा? वही बैल जो 100 क्विंटल माल ले जा सकता है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 50 क्विंटल जितना माल ले जा सकता है, अगर बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लगा हुआ है तो वही बैल उससे 2 गुना ज्यादा माल ले जाएगा, और सिर्फ 2 गुना ज्यादा माल ही नहीं ले जाएगा बल्कि तेजी के साथ वो माल एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच जाएगा। तो आपके समय की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बस 2 छोटे से काम करिए। पहला काम कि हिंदुस्तान की जो पशुधन है, हिंदुस्तान के पशुओं की जो शक्ति है, इसका बचाव करिए ताकि ये माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने के काम में आए, और दूसरा काम बैलगाड़ी के पहिए में बॉल बियरिंग लगा दीजिए। तो उसने एक तीसरा सवाल मुझसे कहा, राजीव भाई ये करेगा कौन? मैंने कहा आप करेंगे और कौन करेगा, अधिकारी आप है मैं थोड़ी। तो कहने लगे आपकी बात समझ में आती है लेकिन कोई इसको करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि बैलगाड़ी के पहिए में अगर बियरिंग लगाना चालू कर दें हिंदुस्तान के वैज्ञानिक तो अमरीका जाने का मौका कैसे मिलेगा? क्योंकि अमरीका जाने का मौका तो तब मिलेगा जब आप पेट्रोल डीजल और ऐसी चीजों पर रिसर्च करेंगे, बैलगाड़ी के पहिए में बाल बियरिंग लगाएंगे तो उसको तो गांव में जाना पड़ेगा, और यहां तो सब अमरीका भागने को तैयार बैठे हैं। परेशानी तो ये है, माने हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी समस्या ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट खत्म करने में हिंदुस्तान के गोवंश का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और आप ये जान लीजिए भारत सरकार कहती है, मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान में इस समय जितना बचा हुआ पशुधन है, आपको मालूम है ज्यादा पशुधन बचा नहीं है। मैंने बताया 50 साल में 48 करोड़ गोवंश का नाश कर दिया है। मुश्किल से इस देश में पशुधन अगर गोवंश का आज हम देखें तो 18-20 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन ये जो 18-20 करोड़ का गोवंश का पशुधन है, ये पशुधन हिंदुस्तान में 14 हजार करोड़ रुपए की बचत करता है हर साल में। आप सोचिए कितनी बड़ी बचत है, 14 हजार करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, वो 14 हजार करोड़ की रकम बचाई जाती है हिंदुस्तान के गोवंश के पशुओं के द्वारा और हिंदुस्तान के दूसरे पशुओं के द्वारा। इसलिए गोवंश का नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए भी नाश नहीं होना चाहिए गोवंश का कि हिंदुस्तान में जो गाय है वो अरबों रुपए का फर्टिलाइजर पैदा कर सकती है, बैल अरबों रुपए का फर्टिलाइजर पैदा कर सकता है, और हमको विदेशों से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं
ये जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है ये बाहर के देशों से लाना पड़ता है, और बाहर के देशों से लाया हुआ केमिकल फर्टिलाइजर आपके शरीर में जहर घोल रहा है। आप गेहूं नहीं खा रहे हैं, गेहूं के साथ जहर खा रहे हैं। आप चना और चावल नहीं खा रहे हैं, चना और चावल के साथ जहर खा रहे हैं, क्योंकि उनमें विदेशी फर्टिलाइजर लगता है, केमिकल फर्टिलाइजर लगता है। और यह जो केमिकल फर्टिलाइजर लगता है हमारी खेती में, इसकी वजह से पानी ज्यादा लगता है खेती में। अगर गाय के गोबर से हम खेती करें तो हमारे देश का 5 गुना पानी बच सकता है। वही खेती हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर से तो 5 गुना ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा है देश का। और आप सब जानते हैं पानी ईश्वर की देन है, कोई सरकार पानी पैदा कर नहीं सकती। दुनिया में अरबों रुपए जिन सरकारों के पास है वो भी पानी पैदा नहीं कर सकते। ये भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। और जमीन के नीचे ये पानी है वो आपके बैंक बैलेंस की तरह से है। हम बेवकूफी में क्या कर रहे हैं, बैंक बैलेंस में से पैसा निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, उसको वापस डालने का हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। इसलिए गाय बचे, गौवंश बचे, तो हिंदुस्तान में हजारों करोड़ अरबों करोड़ रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर पैदा होगा। तो आप पूछेंगे कैसे होगा, एक छोटा सा सुझाव है कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा गाय का दूध पीना शुरू कर दें। हिंदुस्तान में जो लोग चाय कॉफी और पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं, अगर ये चाय कॉफी पेप्सी कोला और कोका कोला पीना बंद कर दिया जाए और उतने पैसे का गाय का दूध पिया जाए तो लगभग 7.5-8 हजार करोड़ रुपए का गाय का दूध और बिकेगा। और इतने दूध को बेचने के लिए कम से कम 1.5-2 करोड़ और ज्यादा गाय पालनी पड़ेगी। और 1.5-2 करोड़ जो गाय पाली जाएगी इस देश में, वो 1.5-2 करोड़ गाय 10% की वृद्धि दर से अगर बढ़ना शुरू करेगी, गोवंश में वृद्धि होगी हर साल में, तो हिंदुस्तान में आने वाले 15-20 सालों में करोड़ों गोवंश को हम बचा सकेंगे। इसलिए गाय की रक्षा, गो रक्षा करना बहुत जरूरी है। और चलते चलते आखिरी बात कि इसलिए भी गौ रक्षा बहुत जरूरी है कि ये गाय जो है भारतीय संस्कृति का प्राण है और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। तो हम सब एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं कि अपने घर में संकल्प करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा गाय का दूध पिए, गाय का घी खाएं, गाय के दूध को बिकवाएं, गाय के दूध से बने हुए सामानों की बिक्री करवाएं, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में ये गोवंश की वृद्धि होती चली जाएगी। इतना ही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।